औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। व्यूवर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी अस्नेट डी टैबलेट्स के बारे में। अस्नेट डी टैबलेट्स जो है ना, हमारे पास बेसिकली एक सप्लीमेंट है जिसकी फार्मूलेशन है असीन मिनरल्स कम्प्लेक्स, कैल्शियम और विटामिन डी। ये तीनों चीज़ें जो है ना, आपको एक ही मेडिकेशन के अंदर मिल रही हैं। ये सेफ टू यूज़ है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे कि इसको हम किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसको हम जो है ना, हड्डियों के तमाम बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी हड्डियों की बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियाँ जो है ना, कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें आपकी हड्डियों में जो है ना, विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में जो है ना, दर्द रहता है। उसके अलावा ये ऑस्टियोमलेशिया में यूज़ की जाती है। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी हड्डियों की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। इसमें हड्डियाँ जो है ना, नरम हो जाती हैं और आपको उठने बैठने और चलने फिरने में जो है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। आपके हड्डियों में पेन होती है, इसको जो है ना, मेनोपॉज वाली वुमेंस है वो भी इसको जो है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेनोपॉज जो है ना, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें औरतों में जो है ना, पीरियड्स आना बंद हो जाती हैं। ये 50 ईयर से अबव की औरतों में जो है ना, हो सकता है। और मेनोपॉज की वजह से जो है ना, औरतों में विटामिन डी और कैल्शियम की लेवल जो है ना, कम होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है ना, उनको हड्डियों के मसाइल हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है ना, अस्नेट डी टैबलेट्स बहुत मुफीद है। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने जो भी मेडिसिन यूज करनी है, अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन अस्नेट डी टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप लोग तक पहुंचते रहें। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।